वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम चिकन कोरमा की एक न्यू रेसिपी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है और उसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा मस्टर्ड ऑयल हमको बढ़ा के डालना है क्योंकि चिकन कोरमे के अंदर तेल ज़्यादा होता है। तो ये है जी आधा किलो प्याज है। तो हाफ के जी प्याज को मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है, आप भी इसी तरह से बारीक बारीक काट लीजिएगा। और यहाँ पे तेल हो गया गरम और ये हमारा धुआं निकलना शुरू हो गया है तेल का। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो प्याज है इसको हम इसी तेल के अंदर डाल देंगे और डाल के इसको अच्छे से हम चलाएंगे ताकि प्याज सारे अच्छे से तेल के अंदर पक जाए। और मीडियम आंच पर बनाना है फ्रेंड्स, तेज़ आंच पर बनाइएगा तो ये काले हो जाएंगे, लाल नहीं होंगे। हमको इसको चाहिए एकदम से गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, आपको मैं बार बार दिखाती रहूँगी कि यहाँ पर कितने और करने हैं। तो ये देखिए, इस थोड़ा सा हमने प्याज को साइड में किया। तो ये छोटी सी कढ़ाई है और इसके अंदर मैंने एक चम्मच सरसों का तेल ले लिया है, वही वाला। तो ये तेल के बीच में मैं डालूँगी इसके अंदर, ये देखिए मेथी दाना है आधी चम्मच और थोड़ा सा काजू और बादाम है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि कोरमा के अंदर मैं ये क्यों डाल लूँ, ये डालने के बाद आपकी इतनी बढ़िया ग्रेवी बनेगी, इतना सिल्की आ जाएगा, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से तेल के अंदर रोस्ट कर दिए हैं। अब ना रोस्ट करके अब गैस को कर देंगे बंद और इसके बीच में डाल देंगे आधी कटोरी पानी। आधी कटोरी पानी डाल के इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये जो हमारे मेथी दाना है ये अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ तक प्याज हो गए हैं, ये हो गए गोल्डन ब्राउन, तो अभी नहीं हुए, अब डार्क गोल्डन ब्राउन मैंने कर दिए हैं। और यहाँ पे हमारे गोल्डन ब्राउन प्याज हो गए हैं रेडी। तो अब इसका सारा तेल अच्छे से निकाल देना है और निकाल के इसको ना एक प्लेट के अंदर ले लेंगे। तो प्लेट के अंदर जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो हम उसको हवा में रख देंगे, कहीं पंखा चला के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, 5-10 मिनट के लिए, ताकि प्याज के अंदर पूरा क्रिस्पी बन आ जाए। तो ये आपको मसाले मैंने दिखा दिए, मसालों के अंदर कुछ नहीं, हल्दी मिर्ची और नमक और धनिया पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च है। तो ये देखिए जो बाकी का तेल बचा हुआ है उसके अंदर मैंने डाल दिया है खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में भी मैंने गोल मिर्च है, छोटी इलायची, और यहाँ पे है दालचीनी, ये गोल मिर्च दिखा दिया, और यहाँ पे तेज़पत्ता और आधी चम्मच ज़ीरा और 2-3 सूखी लाल खड़ी मिर्ची है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही डाला तो तेल के अंदर अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब जो चिकन है ना उसको धो के रखा था मैंने, तो ये चिकन इस तेल के अंदर जाएगा फ्रेंड। और इसके बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे और तब तक चलाना है जब तक का इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो अभी आपको दिखाती हूँ इसका कलर कैसे चेंज होगा और कितना करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए फिर से मैंने इसको अच्छे से चला दिया है और कलर हो गया है चेंज। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे हम 1 चम्मच भर के। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को अब चिकन के साथ अच्छे से फिर से मिलाना है ताकि जो अदरक का जो कच्चापन है ना वो अच्छे से निकल जाए। तो जैसे जैसे आपने देखा कि चिकन का कलर कितना अच्छा आ गया है, इसी तरह से लहसुन अदरक को भी हमने भून देना है इसी तेल के अंदर। तो जैसे करेंगे और मसाला आँच को कर देंगे कम। और यहाँ पे ये जितने मसाले मैंने निकाल के रखे हैं ना, ये खड़ा गरम मसाला है, हल्दी नमक और ये धनिया पाउडर है और वो लाल मिर्ची रंगत वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। और यहाँ पे फिर से एक बार मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ फ्रेंड्स। और चलाने के बाद आपको देखिए अब इसकी रंगत कितनी अच्छी आ रही है। और यहाँ पे ये है आधी कटोरी जो दही है ना, इसको भी इसके अंदर डालना है। तो फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना कि दही को फेंटना नहीं है बिल्कुल, दही को ऐसे ही डालना है, तभी तो हमारा जो कोरमा है वो दानेदार बनेगा, जैसे कि हम चांदनी चौक में जाके खा कर आते हैं उसी तरह से। तो फ्रेंड देखिए, दही डालते ही इसका कलर और कितना अच्छा आ गया है। और यहाँ पे अब क्या किया है, उसको अच्छे से चलाने के बाद मैं आपको एक बार फिर से पास से करके दिखा देती हूँ। इसका कलर देखिए, इसका रोगन देखिए कितना ही बढ़िया आना शुरू हो गया। तो ये जो प्याज है, अब इस प्याज को मैं इस चॉपर के अंदर डाल दूँगी, चॉपर के अंदर ये अच्छे से क्रश हो जाएंगे फ्रेंड्स।
और जैसे ही अच्छे से क्रश हो जाएंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं जो मैंने मेथी दाना और काजू बादाम जो फुला के रखे थे उसको डालना और उसको भी अच्छे से चला देना। हाँ हाँ डाल दे। चिकन ने अपना पानी पूरा छोड़ दिया और अब इसके अंदर मैंने जो क्रश किया था चौपर के अंदर जो चॉपर के अंदर जो प्याज गया था मैंने उसके अंदर थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल के ना अच्छे से और यहाँ पे अब 5-10 मिनट हम इसको ढक के पकाते हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए पूरी तरह से इसका ये चिकन भी गल गया है और ये जो मैं ड्रॉप डाल रही हूँ ये केवड़ा वाटर है और ये 5-6 ड्रॉप डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालने, बहुत बढ़िया इससे खुशबू आती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कोरमा बनके रेडी है। तो मैं इसको एक बार कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो रोगन है वो देखिए और इसका टेक्सचर देखिए और कलर देखिए कितना ही बढ़िया है आपके सामने है। पूरी वीडियो, कोई वीडियो स्किप नहीं की है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं कल मिलती हूँ आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।